इस वीडियो में बात करते हैं फॉर ऑफ लूप की। तो फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आप आइटरेबल ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं। इससे पहले फॉर इन लूप की बात की थी, फॉर इच लूप की बात की थी। तो फॉर इन जो लूप था वो हम लोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं फॉर इच जो लूप था उसमें हम लोग कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं आज जो हम लोग देखेंगे वो है फॉर ऑफ लूप। ये हम लोग आइटरेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, अगर उसके वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो हमें फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आइटरेबल जो ऑब्जेक्ट हैं, आइटरेबल जो डेटा स्ट्रक्चर्स है वो इनको कहा जाता है, एरेज है, स्ट्रिंग्स है, मैप है, नोड लिस्ट है, ये सब जो होते हैं ये आइटरेबल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनके एलिमेंट्स को, आइटम को अगर एक्सेस करना है तो हमें फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर ऑफ कीवर्ड है, यही चीज़ याद रखने लायक है, बाकी तो आप जानते हैं। यहाँ पर वेरिएबल लिखा जाता है, ऑफ कीवर्ड, उसके बाद जो आइटरेबल डेटा स्ट्रक्चर उसका नाम, ठीक। तो वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, ये आप लेट कॉन्स्ट है वेरिएबल वर कीवर्ड से बना सकते हैं। और आइटरेबल मतलब होता है कि एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ आइटरेबल प्रॉपर्टीज़। आइटरेबल ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके अंदर आइटरेबल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। अब कौन कौन सा जो ब्राउज़र है इसको सपोर्ट करता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर ऑफ जो है, ये जो लूप है, ये जो तरीका है जावास्क्रिप्ट में 2015 में अटैच किया गया था, वही यहाँ पर बता रहा है कौन कौन सपोर्ट करता है, कौन सपोर्ट नहीं करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक एरे दिया है जिसमें आपके तीन आइटम एलिमेंट मौजूद है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे एक्सेस करने की कोशिश की, तो यहाँ पर लेट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया गया एक्स, और यहाँ पर है ऑफ कीवर्ड, यही याद रखने लायक है, ठीक। एक्स ऑफ कार्स, इससे क्या होगा, इस एक्स में इस कार्स की, यानी इस कार्स की सारी जो आइटम हैं वो आके स्टोर हो जाती हैं, ठीक। फिर उसी को इस टेक्स्ट नाम के एम्प्टी स्ट्रिंग में ऐड कर दिया जाता है, ठीक। और इसका मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है, सिंपल सा है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने एक HTML डॉक्यूमेंट है, तो इस HTML डॉक्यूमेंट में जहाँ से स्क्रिप्ट के जरिए जावास्क्रिप्ट का कोड लगा हुआ है, और इसी में एक कार्स नाम का एक एरे बनाया गया जिसमें तीन आइटम आपको दिख रहे हैं, BMW, Volvo, मिनी, और यहाँ पर लेट कीवर्ड से एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया गया जिसमें रखी गई एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं एक फॉर लूप लगाया गया, और उसके बाद आपने इस एक्स वेरिएबल को बनाया गया, लेट कीवर्ड से बना हुआ है, यहाँ पर ऑफ कीवर्ड है, और उसके बाद यहाँ पर एरे का नेम है। तो इससे क्या होता है, इस एक्स में कार्स के सारी जो आइटम होते हैं एक एक करके स्टोर हो जाती है। फिर उसके बाद फॉर के अंदर बॉडी के अंदर जो कोड है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बार एक्स में किसकी वैल्यू आती है, BMW की, और इसे ऐड कर दिया जाता है इस एम्प्टी स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इसके लिखने का मतलब क्या, पहले भी बताया था, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का है। अगर इसको यहाँ प्लस हटा दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और इक्वलिटी सिंबल के राइट साइड को सबसे पहले हम हल करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको एम्प्टी मिलेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसमें यहाँ से जो एक्स की वैल्यू पहली बार आई तो कार्स में पहला आइटम एक्स में आके स्टोर हो जाता है। और यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पहला BMW इस टेक्स्ट में पड़ी हुई एम्प्टी स्ट्रिंग से ऐड हो जाता है, ठीक। और ये ब्रेक कीवर्ड जो कि लाइन ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टाइम आपको इतने से आपको मिल जाता है ये वाला BMW, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम जब एक्स में वैल्यू आती है, ठीक है, ये काम फिनिश हो गया, ये वाली स्टोर हो गई इस टेक्स्ट वैल्यू वेरिएबल में, यानी कि BMW स्टोर हो गई टेक्स्ट वेरिएबल में। उसके बाद सेकेंड टाइम इस एक्स में वॉल्वो वैल्यू आती है, फिर से यहाँ पर एक्स में वॉल्वो आती है, और टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू मौजूद है, BMW, तो BMW प्लस ये आपका आ जाता है वॉल्वो, ठीक है, इसमें ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद फिर से ब्रेक होता है, ऐसे करके आपको टेक्स्ट में तीनों वैल्यू स्टोर होते हुए दिखती है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इन HTML, ये बोलता है इस डॉक्यूमेंट में डेमो आईडी वाला एक HTML एलिमेंट है, उसको सर्च करो और उसके इनर HTML पर टेक्स्ट की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है वो ये पैराग्राफ एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, डेमो आईडी से इसको पहचान लिया जाता है कि पैराग्राफ एलिमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनर HTML यानी ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में टेक्स्ट की वैल्यू रख दी जाती है। टेक्स्ट की वैल्यू आपको क्या मिलती है, यही वाली, ठीक है, इसको यहाँ पर रख दिया जाता है जावास्क्रिप्ट के मेथड के जरिए। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ एलिमेंट वेब पेज में डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो इसमें पैराग्राफ एलिमेंट इस चीज़ को यहाँ पर डिस्प्ले करता है जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो ऐसे ये काम करता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा समझाने लायक नहीं एक्स्ट्रा कि इसमें कुछ समझ में ना आए। उसके बाद लूपिंग ओवर ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को लूप कैसे कर सकता है, यानी कि एक एक जो लेटर है इनको कैसे एक्सेस कर किया जा सकता है। तो इसमें भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर एक्स में पहला जे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद जे इसमें स्टोर हो जाएगा टेक्स्ट में, जे यहाँ पर आएगा और जे फिर इस टेक्स्ट
नाम की एमपीटी स्ट्रिंग टेक्स्ट में जो एमपीटी स्ट्रिंग पड़ी है उससे जाके ऐड हो जाएगा जे जे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगला एक्स में कौन सा वैल्यू आएगा, ए आएगा, फिर यहाँ पर ए आएगा, ए उस टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे कि अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से लिखें, थोड़ा सा समझने में इसको दिक्कत होती है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, इस टाइप में, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहली बार एक्स में क्या आएगा, जे आएगा, यहाँ से जे आया और यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन ब्रेक है, तो पहली बार इस टेक्स्ट वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आएगी, जे आएगी। ऐसे करके टेक्स्ट में सारी वैल्यूज़ यानी कि ऊपर से नीचे आपको ये सारी वैल्यू मिल जाती है, ठीक। फिर उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट का जो मेथड है, डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है, एचटीएमएल एलिमेंट, उसको खोजता है, उसके इनर एचटीएमएल यानी इस जगह पर इसी टेक्स्ट की वैल्यू को रख देता है, ठीक है। ये टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ से मिली हुई है, ठीक, और इसी को वैल्यू को यहाँ पे रख देता है। फिर उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है, जो कि आपको ये हाईलाइटेड वाला दिख रहा होगा। तो बस इसमें इतना ही है और इससे आगे कुछ नहीं है। व्हाइल लूप को अगले लेक्चर में हम लोग